Hi guys, welcome to your own channel, All For You. In my last session, I dealt with determiners, ठीक है? और determiners के बाद मैंने उसमें आपको examples भी दे दिए, definitions के साथ और types भी बता दिए थे. आज मैं आप लोगों को articles और demonstrative बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी से 3 session पहले मैंने आप लोगों को articles के लिए बताया था. बस एक छोटा सा इसका एक और इंट्रो दे दूँ, ठीक है? उसमें मैंने छोटे बच्चों के लिए बताया था, इसमें थोड़ा सा और elaboration होगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा. जैसा कि देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे मैंने articles दिखा हुआ है. articles के 2 पार्ट है. यहाँ पे हो जाता है हमारा articles, क्या होता है? इट टेल्स अस अबाउट स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक नाउन. अनस्पेसिफिक नाउन, ठीक है? अब एक चीज, ये हमारा डेफिनेट हो गया, ठीक है? डेफिनेट, ये हमारा इनडेफिनेट, ये भी मैंने बताया था. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. तो डेफिनेट में द आता है बिकॉज इट इज काउंटेबल, सॉरी, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल, ठीक है? इनडेफिनेट में ए और एन आता है और ये हमारा होता है काउंटेबल. इसमें हम लोग बोलते हैं प्लूरल, ठीक है? और इसमें हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नाउन, ठीक है? और ये प्लूरल नाउन. जैसे एग्जाम्पल में द बॉयज, द कार्स, ठीक है? यहां पे क्या होगा? अ कार, एन एप्पल, एन आर. ये एक चीज मैंने शायद उसे नहीं बताया, एन आर, ठीक है? एन ऑनेस्ट शायद. तो यहां पे क्या है, ये जो एच है ना, हमारा साइलेंट हो जाता है और साइलेंट होने के कारण यहाँ पे ओ जो है वहां उस पर डायरेक्ट हम लोग मतलब सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है? तो आर हो गया और ऑनेस्ट हो गया, ओ पर डायरेक्ट हमारा उस पर इम्फेसिस पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया आर्टिकल्स. इट टेल्स अस अबाउट स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक नाउन, जिसमें हमारा डेफिनेट होता है द, इनडेफिनेट होता है ए और एन, अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन होता है द, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है ए और एन. मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, द बॉयज, द कार्स, अ कार, एन एप्पल, एन आर, एन ऑनेस्ट, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारा आर्टिकल्स ऑलरेडी डील किया हुआ है, ठीक है? तो अब हम लोग आ जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव पे. चलिए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 वर्ड आते हैं जो आपको याद रखना होगा. फर्स्ट इज दिस, मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज ये, फोर दोस वे. अब यहां पे यह क्या है? सिंगुलर नाउन, नियर टू अस, ठीक है? सिंगुलर नाउन, फार टू अस. प्लूरल नाउन, नियर टू अस. एंड प्लूरल नाउन, फार टू अस, मतलब सिंगुलर नाउन है जो हमारे पास है. दिस इज अ बुक. एग्जाम्पल मैं यहां दे दू, 1 के लिए, 2 के लिए, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है जो हमारे पास है. दैट इज अ कार, वहां एक, वो एक कार है, मतलब दूर में वो एक कार है. जब हम लोग बोलते हैं दूर में, वो एक कार है, ये एक किताब है, ठीक है? फिर हमारा थर्ड में आ जाता है, दीज आर फ्लावर्स, ये बहुत सारे फ्लावर्स है, फूल है, ठीक है? एंड दोस आर पपीज, वहां वे बहुत सारे पपीज हैं, ठीक है? तो मैंने आपको जो जो बताया, सिंगुलर नाउन, नियर टू अस,
ये भी एक फॉर्मेट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, और एक ही चीज डिटर्मिनेंस प्लस नाउन, ठीक है, डिटर्मिनेंस प्लस नाउन। एंड होप आई हैव क्लियर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव्स एंड आर्टिकल्स, एंड हमारे नेक्स्ट में आ जाएंगे क्वांटिफायर्स एंड नंबर्स, ठीक है, एंड आप इसको जॉट डाउन कर लीजिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे बनाइए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू। और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन सेशन दे दूँगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे एंड विथ आंसर्स, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।